हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे हम वाइट पुलाव भी कहते हैं, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बनती है। अगर आपको भी कुछ जल्दी से बनाना हो जो बहुत डिलीशियस खाने में लगे, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करिए। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी को देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया 1 किलो चिकन। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा पतीला ले लिया है, जिस पर मैंने यूज़ किया है तकरीबन 250 ml तक तेल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, जीरा और दालचीनी। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे अपने सभी खड़े मसालों को और इसमें अच्छे से क्रैकल आने देंगे। उसमें मैं ऐड करूँगी 3 कटे हुए प्याज को। हमारी जो प्याज है वो हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो उसमें हम ऐड करेंगे अपने चिकन को। चिकन को ऐड करके हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो चिकन को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए और इसकी रॉयल स्मेल भी चली जाए। इसकी रॉयल स्मेल चली गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि हम चावल और चिकन को साथ में पकाने वाले हैं, इसलिए हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो उसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा डालनी है। 3 चम्मच लहसुन का और 3 चम्मच अदरक का पेस्ट यूज़ किया है। इसे भी हम तकरीबन 1-2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। तो 1-2 मिनट हो चुके हैं और हमारी लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल चली गई, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। यहाँ पर रेड चिल्ली की जगह पर हरी मिर्च को ज़्यादा यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर यूज़ किया है। 2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर। क्योंकि मैंने यहाँ पे खड़े मसाले कम यूज़ किए थे, क्योंकि वो खाने में मुँह में ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गर्म मसाला 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया है। 1-2 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले थोड़े से भून चुके हैं, तब इसमें हम ऐड करेंगे 6-7 हरी मिर्च, 4-5 कटे हुए टमाटर। इन्हें अच्छे से चला लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जायफल का पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे, अभी फ़िलहाल मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ऐड करूँगी मैं 1 पाव दही। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है थोड़ा सा गल जाए। पानी डालने के बाद हम इन्हें ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है वो 80% तक गल चुका है, तो बाकी 20% हम इसे चावलों के साथ में गला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी यूज़ किया है। मैंने यूज़ किया है 1 किलो चावल, इसे मैंने धुल के आधे घंटे पहले ही भिगा दिया था। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी यूज़ करिए, क्योंकि कुछ चावल जो होते हैं वो पानी ज़्यादा सोखते हैं और कुछ चावल कम पानी में भी पक जाते हैं। तो अब इन पानी को हम बॉईल करेंगे ढककर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पानी है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो हमने अपने चिकन को जो पहले सिर्फ पानी में इसलिए गला दिया था, क्योंकि अगर चावलों के साथ हम इन्हें गलाते तो हमारा चिकन अच्छे से नहीं गलता, इसलिए हमने इसे अलग ही गलाया था पानियों के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल को। चावलों को ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छे से चला देंगे और हम अब नमक टेस्ट करके हम इस पर नमक और ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक और ऐड किया है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इन्हें हम ढक देंगे और अच्छी उबाल आने तक इन्हें पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, चावलों को बीच बीच में ऊपर नीचे चलाते भी रहना है, ताकि नीचे से लगे ना। तो फ्रेंड्स, हमारे पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है और हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो हम अपने गैस की फ्लेम को अब स्लो कर लेंगे और इन्हें स्लो आँच पर ही पकाएंगे भाप में। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी बारीक कटी हरी धनिया, अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सारा पानी ड्राई हो चुका है और हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है। तो अपनी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने इसे तकरीबन 5-7 मिनट तक के दम पे रखा था स्लो आंच पर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ।